इसराइल पर ईरान के हमले के बाद दुनिया ज्वालामुखी के दहाने पर बैठ गई है जो कभी भी फट सकता है और ये जब फटेगा तो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा ईरान के मिसाइल हमले के बाद इसराइल ने लेबनान और गाजा पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं इसराइल लगभग रोजाना लेबनान और गाजा पर बम सा रहा है जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है लेकिन जब जब, जब इसराइल जमीनी हमला करता है उसे मुंह की खानी पड़ रही है जमीन पर हिजबुल्ला के शेर उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं हालांकि यहूदी मीडिया कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है लेकिन इस दौरान कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइली फौज को काफी जानी नुकसान पहुंचा रहे हैं अब तक इजरायली फौज के कई अफसर भी लेबनान की सरजमीन से सीधे जहन्नुम पहुंच चुके हैं ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि हिजबुल्ला के, के रॉकेट लॉन्चर के हमले में सत्रह इसराइली फौजी मारे गए अल्लाह अकबर 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 लेबनान में इसराइल के हवाई हमले से भारी नुकसान होने के बाद अब हिजबुल्ला संभल चुका है और उसने भी इसराइल पर मिजाइल से हमला करना शुरू कर दिया है हिजबुल की लेबनान से दागी गई ऐसी ही एक मिसाइल इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को तोड़ती हुई सीधी इसराइल के हाइफा शहर में गिरी जिससे काफी नुकसान हुआ और कई इसराइली भी मारे गए हैं ये तो तय है कि इसराइल बदला लेने के लिए ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है ईरान भी इससे वाकिफ है इसलिए ईरान ने भी अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है ईरान को अपना स्केंडर मिसाइल भेजा है यह मिसाइल इतना ताकतवर और खतरनाक है कि यह परमाणु हथियार यानी एटम बम तक ले जाने की क्षमता रखता है ये मिसाइल किसी भी जंग का पासा पलटने की ताकत रखता है। आपको बता दें कि ईरान को स्कैंडर मिसाइल देकर रूस ने एक तरह से उसके मदद का बदला चुकाने की कोशिश की है उसे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन सप्लाई किए थे जिसके जरिए रूस को यूक्रेन में काफी कामयाबी मिली है रूस ने उसी एहसान का बदला ईरान को स्कैंडर मिसाइल देकर चुकाने की कोशिश की है हालांकि सरकारी तौर पर दोनों ही मुल्क हथियारों के इस लेन देन की बात को अफवाह बताने की कोशिश कर रहे हैं एक बात तो तय है कि इसराइल ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है लेकिन उसके साथ ही उसे यह भी पता है कि ईरान लेबनान सीरिया इराक या फिर मिस्र नहीं है ईरान मुस्लिम वर्ल्ड का एक सुपर पावर है जिसके पास न सिर्फ इसराइल से ताकतवर फौज है बल्कि दूसरे मुस्लिम मुल्के के उलट ईरान खुद भी हथियार बनाता है उसका हमला उल्टा भी पड़ सकता है इसलिए इसराइल और अमेरिका फूक फूक कर कदम रख रहे हैं